नमस्कार, आर एन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। खबर एटा से है, जहां तेज रफ्तार से आ रही रोडवेज बस पलट गई है। इस हादसे में कई यात्री घायल हुए, तो वहीं रोडवेज बस में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि रोडवेज बस पलटने से एक यात्री की मौत हो गई है, जबकि 14 यात्री घायल हो गए हैं। इस बीच कानपुर से मेरठ जा रही थी रोडवेज बस और कन्नौज के तालीग्राम थाना के गांव चांदापुर में निवासी था मृतक, जो कि जसवंत बताया जा रहा है उसका नाम। और मौके पर पहुंचे अपर जिलाधिकारी प्रशासन आलोक कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक धनंजय सिंह कुशवाहा और अब जिलाधिकारी शिव कुमार सिंह, सीओ सिटी कालू सिंह के साथ मौके पर पहुंचे हैं। सभी घायलों को एटा के जिला मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया और थाना मलावन के अंतर्गत नेशनल हाईवे छछौना गांव के पास का मामला बताया जा रहा है। खबर लखनऊ से है, जहां दंगल का अखाड़ा नहीं बल्कि आलमबाग का यह बस अड्डा है, जहां पर दिखाई दे रहा है कि इस बस अड्डे पर मारपिटाई की जा रही है। तस्वीर में दिख रहा है जो ये लड़की दिख रही तस्वीर और वीडियोस में, ये कोई और नहीं बल्कि स्टेशन इंचार्ज है, जिनका नाम ज्योति अवस्थी बताया जा रहा है। ये यात्री को अपने कर्मियों के साथ दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। इसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ है और इससे पहले ज्योति पत्रकारों को भी पीट चुकी है। बताते चले कि इसको लेकर पल्लव बोस ने पूरी छूट दे रखी है और बताया ये भी जा रहा है कि भ्रष्टाचार करने का भी तमाम आरोप स्टेशन इंचार्ज पर लग चुके हैं और अपने कार्यालय से आलमबाग बस अड्डे पर तैनाती उनकी कर दी गई थी। और पत्रकार को पीटने के मामले की बोस ने एआरएम रहे डीके गर्ग पर दबाव बनाकर ज्योति के फेवर में रिपोर्ट लगवाने का आरोप सामने आया। अब निगम कर्मियों द्वारा दबी जुबान से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई जा रही है कि रोडवेज में इस वक्त भ्रष्टाचार और नियमों के विपरीत बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है, उसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए और दोषी लोगों को दंडित करके लड़कों को कमरे के अंदर खींचकर ले जाते हुए मारपिटाई पर रोक लगाई जा सके। बताया जा रहा है कि इस संबंध में अब स्टेशन इंचार्ज ज्योति अवस्थी से जानकारी लेने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात करने से साफ इनकार कर दिया है। और इस बीच यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया और अंतर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के ये 3 सदस्य बताए जा रहे हैं, जिन्हें अब गिरफ्तार किया गया है। एलपीजी टैंकर यानी कैप्सूल से लगभग 25 क्विंटल अवैध मादक पदार्थ यानी गांजा एसटीएफ ने बरामद किया है। और आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव शासन उत्तर प्रदेश की तरफ से एसटीएफ को लखनऊ द्वारा किए गए उक्त सराहनीय कार्य के लिए 1,00,000 रुपए नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की गई है। खबर जालौन से है, जहां जालौन थाना में गुहान में वीआईपी ड्यूटी जाते समय सड़क हादसे में घायल सिपाही की मौत हो गई है। मरने वाला सिपाही थाना हाईवे के गांव जुनसुटी का रहने वाला बताया गया, जो कि स्वजनों ने अब इस मौत के कारणों पर आशंका व्यक्त की है। आपको बता दें कि पीड़ित परिजनों ने सदस्य की नौकरी की मांग की है और पुलिस सलामी के बाद अंतिम संस्कार मृतक का कर दिया गया। लेकिन आपको बताते चलें कि करण सिंह थाना गुहान जालौन में तैनात था और करण सिंह के पिता छितर सिंह के अनुसार 14 जुलाई को उनके पास गुहान थाने से फोन आया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में उद्घाटन में ड्यूटी करने जाते समय करण सिंह की मोटरसाइकिल और कार में भिड़ंत हुई। इसमें करण सिंह अपने 2 साथियों के साथ घायल हो गया और उसे कानपुर में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। सूचना पर स्वजन कानपुर पहुंचे और उपचार के लिए आगरा ले गए, जहां रविवार को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है। बताया भी जा रहा है कि स्वजनों ने प्रशासन से मौत के कारण को स्पष्ट करने और एक स्वजन की नौकरी लगाने की मांग की है। प्रधान राजेंद्र ने बताया है कि दुर्घटना के समय मरने वाले की बाइक पर 2 सिपाही और सवार बताए गए हैं, उनको कोई चोट नहीं आई है, इसीलिए मौत की जांच किए जाने को लेकर ये मांग उठाई जा रही है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां लक्ष्मणपुर ब्लॉक में सावन के पहले ही सोमवार को मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में शांतनु महाराज के नेतृत्व में ब्लॉक प्रमुख प्रेम लता सिंह, डॉक्टर राकेश सिंह समेत सैकड़ों महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली है। बता दें आपको कि कलश शोभा यात्रा महिलाओं ने
निकाली है जहां पर भक्ति के गीत गाए गए जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। कलश शोभा यात्रा में शामिल होने पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ल और राष्ट्रीय किसान मोर्चा मीडिया प्रभारी मनोज यादव, साथ ही साथ जिलाध्यक्ष हरिओम मिश्रा और कार्यालय के और कार्यक्रम के आयोजक और भाजपा नेता डॉक्टर राकेश सिंह समेत सैकड़ों कार्यकर्ता भी इस यात्रा के दौरान मौजूद रहे। लक्ष्मणपुर ब्लॉक मुख्यालय में भगवान श्री शिव की श्रावण के प्रथम सोमवार पर यहाँ की ब्लॉक प्रमुख श्रीमती प्रेमलता राकेश सिंह जी के प्रयासों से मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। यहाँ पर एक भव्य शोभा यात्रा यहाँ के ग्रामवासियों ने निकाली और निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है। पिछले कई दशकों से जिस मंदिर की मांग यहाँ की स्थानीय जनता कर रही थी और कतिपय कारणों से मंदिर की का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा का कार्य अधूरा रह जा रहा था, वह श्री राकेश सिंह जी के प्रयास से। रायबरेली में पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का एक विवादित बयान फिर से सुर्खियों में आ गया है। इस बयान ने एक नया हंगामा खड़ा कर दिया और आपको बता दें कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ब्राह्मणों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण कभी न्यायप्रिय नहीं हो सकता, तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का यह विवादित बयान अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। अंग्रेजी हुकूमत ने उनको सर्टिफाई किया था कि ज्यूडिशरी में ब्राह्मण नॉट अलाउड। अंग्रेजों ने इसके लिए कहा था ब्राह्मण को न्यायपालिका में नहीं भेजना, क्योंकि वो न्याय कभी कर ही नहीं सकता। और आज 90-99% एक ही और विशेष के लोग छोटी न्यायपालिका से लेकर बड़ी न्यायपालिका तक बैठे हुए हैं। मतलब जिसको अंग्रेजी हुकूमत ने ये सर्टिफाई करके जुडिशियल आउट किया, ये कभी न्यायप्रिय हो ही नहीं सकता। इसलिए जुडिशियल में ब्राह्मण समाज के लोगों को न्यायाधीश बनाना और साथ ही शासक। और रुख करते हैं सोनभद्र की ओर, जहां पर पशु तस्करी के आरोप में ग्रामीणों ने दो लोगों को पकड़ लिया है। साथ ही साथ इन तस्करों के हवाले से तीन पशुओं को भी बरामद किया गया और इसके बाद ग्रामीणों की माने तो अन्य तस्कर अभी भी फरार हैं। बहरहाल स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस और फिलहाल पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। बवनी थाना क्षेत्र के चपके शिव मंदिर के पास का मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस ने इन पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। नाम और नंबर से पशु था भी तुम कह रहे थे कि कौन तुम अभी दूसरा नाम बता रहे थे करण खान इसमें लिखा है सर, और उसके पहले तो अभी दूसरा नाम बता रहे थे अभी झूठ बोल दिए थे। मैनेजर कौन मैनेजर हमारा वो लेबर का काम करता है। अभी कलीम खान बता रहे थे अभी करण खान बता रहे हैं खान कलीम खान इसी में। तुम्हारा नाम क्या है? मनोज कुमार गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हो? मोहली के हो। तुमको कौन दिया था ये लेके जाने के लिए? तुम्हें कौन बोला था? माल हमको बोला था कलीम। कहाँ गए? पूरे गढ़वा दिन। और रियन नगर बीजपुर के सम्मानित पत्रकारों को एक बैठक में बुलाया गया है, जहां पर नेतृत्व किया है वरिष्ठ और सम्मानित पत्रकार डीएस त्रिपाठी और रामबलि मिश्रा ने। बता दें आपको कि इस बैठक में बीजापुर क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट और सोशल मीडिया के पत्रकारों ने भाग लिया। पत्रकारों पर आए दिन हो रहे हमलों पर इस दौरान चिंता व्यक्त की गई है और करीब 21 सदस्य लोग इस कमेटी में डीएस त्रिपाठी और रामबलि मिश्रा को सर्वसम्मति से कमेटी का संरक्षक बनाया गया है। इसके साथ ही विजय कुमार पटेल को कमेटी का अध्यक्ष और रविन्द्र कुमार पांडे को महामंत्री चयनित किया गया। आपको बताते चले इस दौरान अन्य पदाधिकारियों में विजय कुमार सोनी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मुकेश अग्रवाल, विशाल गुप्ता, अशफाक कुरैशी को उपाध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा गया है। साथ ही साथ संदीप राय को कोषाध्यक्ष,
जयचंद प्रसाद और प्रदीप जायसवाल को संगठन मंत्री का भार सौंपा गया। इसके अलावा चंदन श्रीवास्तव, मंसूर आलम को मंत्री पद, प्रिंस श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार सूचना मंत्री की जिम्मेदारी उन्हें दी गई और नीरज कुमार को कार्यालय मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। इसके साथ ही विजेंद्र कुमार सिंह बग्गा को आय व्यय निरीक्षक का दायित्व सौंपा गया। खबर है सोनभद्र से, जहां तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में भाई बहन और 2 वर्षीय भांजे की मौत हुई और बताया जा रहा है कि घटना स्थल पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को, जो जिनकी मौत हुई है, उन शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बता दें आपको कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू की, साथ ही साथ ट्रेलर को कब्जे में भी ले लिया गया है। दुधी कोतवाली क्षेत्र के जुलाल झरिया गांव का मामला सामने बताया जा रहा है, जहां पर विद्युत सब स्टेशन के पास ये दुर्घटना घटी। दुधी इंस्पेक्टर ने बताया है कि शव को कब्जे में ले लिया गया है, ट्रेलर को भी थाने पर ले जाया गया है और अब इस पूरे मामले की कार्रवाई जारी है। और एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बाद से लोगों में हड़कंप मच गया है। दरअसल डीजे पर डांस करते समय अचानक एक महिला के जमीन पर गिरने का वीडियो सामने आया, जिसके दौरान महिला की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो मुड़िया मेले के दौरान गिरिराज परिक्रमा मार्ग का बताया गया। डांस करते समय यह महिला जमीन पर गिरी। महिला राजस्थान के डोडा भीम की रहने वाली बताई गई है और वायरल वीडियो करने वाले व्यक्ति ने महिला की मौत का दावा किया है। दरअसल मोहित मीणा के फेसबुक आईडी से एक वीडियो वायरल किया गया। वायरल वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ और इस वीडियो में कुछ महिलाएं डीजे पर डांस करती दिखाई दी। एक महिला डांस के दौरान ही अचानक जमीन पर गिर पड़ती है और महिला जमीन पर गिरने से उसकी मौत हो जाती है। अब मोहित मीणा ने महिला को डोड़ा भीम की निवासी बताया है और उसकी गिरिराज परिक्रमा में डांस करने के दौरान मौत होने का दावा किया है। इस संबंध में अब गोवर्धन के सीईओ ने बताया कि सोशल मीडिया से मामला संज्ञान में आया है, शिकायत पत्र मिलने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अच्छी खबर के साथ ही बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।